हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी डॉट कॉम। गाइस आई एम हियर विद द क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं 9 अक्टूबर 2021 को। गाइस अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रॉपर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत समानता का है? Which of the following is a sign of equality? Guys, हम लोग जहाँ पे कई सारे कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो उसमें हम क्या यहाँ लिखते बोलते हैं इसको is equal to का क्या मतलब है कि ये इसके बराबर है। यानी आपका ऑप्शन जो कि यहाँ पे कई सारे आपके यहाँ पे कई सारे सिंबल दिए हुए हैं आपका इक्वल का, आपका ये एडिशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, और आपका हैश भी दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा जो क्या होगा साइन ऑफ इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज लिब्रे ऑफिस? ऑप्शंस आर Ctrl+X, Ctrl+Q, Ctrl+W एंड नन। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्या, Ctrl+Q। क्वेश्चन नंबर 3, नेलेट के फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेलेट? ऑप्शंस आर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्निक। ठीक है गाइस, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कई बार पूछा गया है, देखिए इसको हमेशा याद रखिए, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, MQTT का पूरा नाम क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MQTT? ऑप्शंस आर मैसेज क्विंटिंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, फॉर सेकंड इज मैसेज क्विनिंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, और थर्ड इज बोथ एंड डी इज नन। गाइस इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, तो गाइस ये भी कई बार रिपीटेटेड है, याद रखिएगा इसको हमेशा। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर? ऑप्शन आर गैलरी, पबजी, एमएस ऑफिस एंड नन। ठीक है, यहाँ पूछा गया है एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, तो गाइस जो आपका पबजी है वो एक तरह का एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 6, सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एज? गाइस जो भी शॉर्टकट कीज होती है एक बार उसको आप ट्राई करके जरूर देखा करिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है Ctrl+Shift+S, सेकेंड इज Ctrl+Shift+A, थर्ड इज Shift+S, फोर्थ इज नन। गाइस में पहला वाला ऑप्शन सही होगा, वो क्या है, Ctrl+Shift+S। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? व्हेन वाज द वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? ऑप्शंस आर 1904, 1906, 1995 और 1997। ठीक है, आपका वैक्यूम ट्यूब कब आया था? 1904 में, यानी आपका ये अब आया था, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, टार कमांड का इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए किया जाता है? टार कमांड इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस आर कॉपी, एक्सट्रैक्ट आर्काइव फाइल, थर्ड इज न्यू डायरेक्टिव, फोर्थ इज नन। गाइस यहाँ पे टार कमांड जो है वो यूज किया जाता है किस लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी आर्काइव फाइल होती है उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर है? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट? ऑप्शंस आर जैक किल्बी, और सेकंड इज रॉबर्ट नॉइसे, थर्ड इज फ्रैंक वैनलस, फोर्थ इज ऑल ऑफ द अवर। ठीक है गाइस, देखिए यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिए हुए, पहला जैक, दूसरा रॉबर्ट, थर्ड इज फ्रैंक, तो इसमें क्या इन सब ने मिलके क्या बनाया था, आईसी को, यानी सबके सब, यानी ऑल ऑफ द अबव ये ऑप्शन हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव ही क्या होंगे, फाउंडर ऑफ आईसी। क्वेश्चन नंबर 10, सारथी का पूरा नाम क्या होता है? यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सारथी? ऑप्शंस आर Synergized Advanced Applications Rail Travel Help and Information, second is Synergized Advanced Application Rail Travel Help and Internet, third is Serial Advanced Application Rail Travel Help and Information, fourth is none. Guys, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्या होगा, Synergized Advanced Application Rail Travel Help and Information, ये आपका सारथी का फुल फॉर्म होगा।
ठीक है गाइस, अगर साथ ही अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, आप जब भी IRCTC का ऐप खोलते होगे तो आपके हाथ आपके राइट हैंड साइड में पॉपअप का ऑप्शन आता होगा सारथी लिख के, ये वही सारथी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एक लाभार्थी के खाते में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फंड्स ऑनलाइन टू अ बेनिफिशियरी अकाउंट। ऑप्शन सात, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम एंड आधार नंबर। आपको क्या करना है, आपको किसी भी अकाउंट में आपको पैसे सबमिट करने, तो आप क्या चाहिए, आप उसका अकाउंट नंबर चाहिए होगा, आपको उसका IFSC कोड चाहिए होगा, उसका नाम चाहिए होगा, बट उसका आधार नंबर कोई रिक्वायर नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन सात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीवायरस। ऑप्शन सात, बिट डिफेंडर, क्या वो डिफ्रेगमेंटर, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड डी इज नन। ठीक है, तो आपको देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, एक एग्जांपल है एंटीवायरस, क्या बोलते हैं, बिट डिफेंडर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा डिजी लॉकर में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट इन डिजी लॉकर। ऑप्शन सर, DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस, सेकेंड इज डॉक्यूमेंट्स, थर्ड इज डिजिटल आधार, डी इज बुक्स। गाइस देखिए, डिजी लॉकर क्या होता है, आपके जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो उसमें आप बुक्स को नहीं रख सकते। ठीक है, आप DL रखो, डॉक्यूमेंट्स रखो, डिजिटल आधार रखो, पर बुक्स रखने कोई वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, बिटकॉइन की खोज निम्न में से किसने की थी। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड बिटकॉइन, बहुत बार पूछा गया IEEE के एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन वाज मार्क जुकरबर्ग, सेकेंड इज संतोषी नाकामोटो, थर्ड इज जेफ बेजोस, फोर्थ इज नन। गाइस इसका ऑप्शन क्या सही होगा, बी, क्या है, संतोषी नाकामोटो, जो एक चाइनीज है। 15, क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला क्वेश्चन 509.8,7 का मान क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला। क्वेश्चन ये ऑप्शन आर 70, 72, 50, 5.0, 509। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आप नॉर्मली उसको डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन की जो भी वैल्यू आए आप वहां पे लिख दो। जब आप 509.8 यानी 509.8 को जब डिवाइड करोगे 7 से, तो आपका क्या होगा, आपका क्वेश्चन क्या बचेगा, क्वेश्चन क्या आएगा, 72। उसको एक बार ट्राई करके देखिए, क्वेश्चन 72 ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन आर Ubuntu, ROM एंड RAM, फ्लॉपी डिस्क, ऑल ऑफ द अब। ठीक है, तो गाइस इसमें आपको क्या क्या पूछा है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल। तो गाइस आपको जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की जब बात होती है तो क्या आपका रोम और रैम ही होती है, फ्लॉपी डिस्क जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, IMPS में लेन देन की सीमा कितनी होती है, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन लिमिट इन IMPS। ठीक है, ऑप्शन है 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। गाइस IMPS जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें आप 5 लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन एक्सटेंशन एजुकेशनल साइट का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशनल साइट। ऑप्शन सर .edu.org.mil.com। गाइस यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही है तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है क्या होगा, edu जो दिया हुआ है आपके एजुकेशनल साइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, RTGS की शुरुआत कब से हुई थी, when was RTGS started। ऑप्शन सर 2005, 2004, 2010, 2007। RTGS आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 20, IMAP की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई। IMAP was introduced by which of the following। ऑप्शन सर मार्क रिस्प्रिंग, जॉन पोस्टल, केविन सिस्ट्रॉन्ग एंड नन। ठीक है, IMAP किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, मार्क क्रिस्पी के थ्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से इंटीग्रेटेड सर्किट के फाउंडर कौन है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ IC। ये भी मैंने पहले बता चुका है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, चैक, रोबोट और फ्रैंक, तीनों क्या है, IC के फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 22, फैक्स और ईमेल दोनों समान, ये एक आपको स्टेटमेंट दिया, क्या फैक्स और ईमेल दोनों सेम होते हैं। फॉल्स, ये गलत है, फैक्स अलग चीज होती है, ईमेल अलग चीज होती है। फैक्स क्योंकि अब बंद ही हो गया है, ईमेल तो फिर चल ही रहा है।
क्वेश्चन नंबर 23, ये स्टेटमेंट क्या है? डिजिटल बैंकिंग के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है, इंटरनेट रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल की, हाजिर बिल्कुल जो जरूरी है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 25, गूगल मैप में वॉइस नोट का भी विकल्प होता है, गूगल मैप ऑल्सो हैज ऑप्शन ऑफ वॉइस नोट, हाजी ये तो आप गूगल मैप पे कुछ भी आप बोल के भी सर्च कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में डोरस्टेप प्रणाली ई बैंकिंग के अंतर्गत आती है, डोरस्टेप सिस्टम इज इंडिया इन इंडिया कम्स अंडर ई बैंकिंग। गाइस ई बैंकिंग और डोरस्टेप प्रणाली मैं आपको बता दूं, डोरस्टेप प्रणाली का मतलब ये है कि वो आपके घर तक आएंगे और जो भी आप रिक्वायरमेंट हो पूरा करेंगे। आजकल जो बैंकिंग है उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर देते हो, वो आके आपका वेरिफिकेशन आपके घर से लेते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेट पर मौजूद सभी वेबसाइट HTTP से शुरू होती है, ऑल वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट स्टार्ट विद HTTP। HTTP क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाँ ये सही स्टेटमेंट है, HTTP से ही शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 27, ईमेल एड्रेस में स्पेस होता है, देयर इज अ स्पेस इन द ईमेल एड्रेस, नहीं किसी भी ईमेल एड्रेस में स्पेस नहीं होता, अगर आप स्पेस देके बनाए भी हैं तो आप ईमेल आईडी उसको बिना स्पेस के यूज कर सकते हैं, वो एज इट इज काम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट, RTGS के माध्यम से 10,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, 10,000 रुपए कैन बी ट्रांसफर थ्रू RTGS, नहीं ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं क्योंकि उसकी लिमिटेशन होती है, ठीक है। और गाइस यहाँ तक देखे तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है, बेल आइकन को दबाइए और क्या करें हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप नहीं जुड़े हो तो वहां पे जुड़ जाइए और वहां पे आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है गाइस, आप घंटा बजाना बिल्कुल ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।